हेलो नाइंथला स्टूडेंट्स दिस इज माई सेकेंड वीडियो ऑन अवर चैप्टर द बॉय एम्पायर बिफोर गोइंग थ्रू दिस वीडियो स्टूडेंट्स फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई अपलोडेड अ वीडियो ऑन योर हिस्ट्री एंड स्वीिक्स सिलेबस विच इज रिवाइज्ड बाय द काउंसिल सो इफ यू हैव नॉट वॉच इट चेक इट सो प्लीज गो थ्रो दैट वन विडियो फर्स्टली okay students now come to our chapter the Moyan empire students Haiti is a topic political history of the Moyan empire now it is not the part of your Labors. it is deducted by the council the political history of the Moyan empire is now not in your syllabus but for your better understanding i will give, give you a brief description of this uh, political history of the Moyan empire ंग्स अंडर चंद्रगुप्त फाउंडर ऑफ दिसर विद द हेल्प ऑफ हिस्स गुरु हिज प्राइम मिनिस्टर हिज एडवाइजर चाणक्य चाणक्य एक्चुअली ट्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य विद ऑल द टेक्टिक्स स्ट्रेटी सब कुछ ट्रेनिंग जो थी चंद्रगुप्त मौर्य को वो मिली थी उसके गुरु चाणक्य से तो चनक्य ने ही इसको मीन्स गाइड किया था हाउ टू बिकम ए रूलर उसके बाद एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए भी जो कि एक लोगों के वेलफेयर के लिए भी प्रॉपर कंसर्न है आ, कैसे अदर किंग के साथ भी हमारा कैसा रिलेशन होना चाहिए जो ऐसे सारे टैक्टिक्स टेक्टिक पॉलिसी थी और सभी में चनक्के ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किया था ओके सो चंद्रगुप्त मौर्य रूल फॉर द इयर थ्री हंड्रेड नी फोर बी टू टू हंड्रेड नाइन्टी सेवन बीसी And after this Chandragupta Maurya, his son Bindusara ruled And he ruled from the year 297 to 273 BC After this, the Shoka the Great He ruled from 268 to 232 BC And as far as Shoka, it is a uh, Actually uh, famous event about the Shoka is that When Ashoka got the throne, then almost whole of the uh, India was under the Mauryan Empire बट ओनली वन पार्ट वॉज नॉट अंडर दट वॉजिंग कलिंगा नॉन इट एज नाउंगा तो मोरस के अंडर था जब वेन दशोका गोडा थ्रो तो कलिंगा वॉज नॉट ऑनली मोरन अम्पायर सो ही वॉन्टेड टू कंकार क्लिंगा अशोक कांकर दलिंगा सो एक वॉर हेल्ड हुई बट इन दिस वॉर थाउज ऑफ पीपल वर किल्ड जो सोल्जर्स थे वो मर गए एनिमल्स वर इंजर्ड सो वेन द अशोका रिटर्न टू बैटल फील्ड कहते हैं जब अशोका uh, युद्ध जीत गया था काफी टफ uh, वॉर थी ये बट ही वन द वॉर वेन ही वेंट बैक एट एवरी टाइम कहते हैं जब वॉर एंड हो गया जब वो वापिस गया बैटल फील्ड में तब तो वहाँ का ब्लड शेड जो ब्लड शेड में जो वहाँ का खून खराबा जो था वहाँ पर जो ऐसे जो मीन्स uh, uh, लोग जो थे डेड बॉडीज थी उनके पास उनकी uh, विधवा औरतें तो रो रही थी बच्चे नाथ हो चुके थे वर द मेन्यू द एनिमल्स किल्ड इन दिस वॉर तो इन चीज़ों से अशोक का बहुत हर्ट हुआ ठीक है सो आफ्टर दिस वॉर ही गिव अप द पॉलिसी ऑफ दिग्विजय इसकी देखो पहले पॉलिसी थी दिग्विजय की मैं पूरे के पूरे इंडिया को जीत लूंगा दिग्विजय की पॉलिसी थी ही लेफ्ट दैट वन पॉलिसी एंड द धम्मा विजय तो धम्मा विजय को फॉलो किया एंड ही अडोप्ट बुद्धिज्म तो बुद्धिज्म को बुद्धिज्म को अडॉप्ट करने के बाद इसने बुद्धिज्म के लिए वर्क किया उसको स्प्रेड करने के लिए ओके सो दोका इज कॉल्ड द शोका द ग्रेट इन द इंडियन हिस्ट्री बिकॉज ही लेफ्ट वॉर आफ्टर विक्ट्री मिलने के बाद भी इवन उसने जो वॉर थी वो छोड़ दी थी ठीक है ना सुनिए मेन टॉपिक इज अबाउट द मॉर्न एडमिनिस्ट्रेशन तो मोर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन वी कवर इन द द सेंस ऑफ अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य तो फर्स्टली आपका मेनली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आता है बट अशोका ने कुछ चेंजेस किए थे जब उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका फर्स्ट आता है किंग किंग वाज अ सुप्रीम अथॉरिटी एंड हिज थ्रोन वाज हेरिट्री किंग सुप्रीम अथॉरिटी था उसका थ्रोन हेरिटरी था हेरिटरी जैसे कि अभी हमने देखा कि चंद्रग्रमने तो के बाद उसका सन था बिंदुसरा बिंदुसराथ के सन, के बाद उसका सन अशोक ही सुप्रीम जज एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म सभी फोर्सिस आर्म जो है उसका कमांडर इन चीफ था एंड सुप्रीम जज था मीनस सभी की मेन जो अथॉरिटीज थी दैट द किंग मेन पावर्स वन द किंग एंड इट वॉज अंगस ड्यूटी टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल तो लोगों के वेलफेयर के लिए भी देखना ये भी किंग की ड्यूटी थी ओके सेकेंड इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अब देखो मजे से हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वैसे उस टाइम पर भी किंग के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे किंग है असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो उसको हेल्प करते थे इन हिज रूटीन वर्क एंड दे वर कॉर द मंत्री परिषद एंड दे वर हरिड बाय अ प्राइम मिनिस्टर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड था उसकी जो पोस्टर नेम था दैट वाज अ प्राइम मिनिस्टर एंड ईच मिनिस्टर वाज फॉर इट्स डिपार्टमेंट तो जिस uh, minister के पास जो सा डिपार्टमेंट होगा वो उस डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर एक कुछ एक ऑफिसर uh, की नेम गज कौन था चीफ प्रिस्ट जो चीफ पुजारी था ही वॉज कॉल्ड अ प्रोहित सेनापति कमांडर इन चीफ था यहाँ पर है सनिधता सन्निधता हेड ट्रेजर मीन जिसको बिज खजानची जिसके पास मनी रहती है ठीक है मनी जिसके अंडर कंट्रोल में रहती है दैट इज अनिहता देन सम्राटा द टैक्सेशन एक्सपर्ट जो टैक्सेशन को कलेक्ट करने में एक्सपर्ट है टैक्सेस को कलेक्ट करने में टैक्सी आपको पता है चार्ज करती है गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट चार्ज करती है उसी टाइम उस टाइम पर भी टैक्सीज लोगों से चार्ज होते थे दैट वट अंडर ऑफिसर ट एक सेक्रेट्रेट था जिसके अंड्रल एडमिन था एंड इन टू दिपार्टमेंट सॉरी था एंड इच वॉज अंडरक्ष थे जो सेवर डिपार्टमेंट्स थे इनका हेड था कॉल द अध्यक्ष सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और जो डिपार्टमेंट जो थे देवर अंडरक्ष एंड आफ्टर दिस अशोक अपॉइंटेड महामात्रास अब देखो अशोका ने क्या चेंज किया अशोका ने महामात्रास को अपॉइंट किया हुआ द गवर्नर्स हुफ्टर द वेलफेयर ऑफिस डी तो महामात्रास को अपॉइंट किया जो गवर्नर्स थे जो देखते थे वेलफेयर ऑफिस वेलफेयर लोगों के वेलफेयर के वेलफेयर को ही जो कंसिडर करते थे उस टाइम पर तो दिस इज अब देंट्रल गवर्नमेंट सेकेंड इज अ प्रोमिनेशियल एडमिनिस्ट्रेशन अब देखो प्रोमिन प्रोमिन क्या होते हैं जैसे कि देखो हमारी कंट्री को पूरी कंट्री को हमने स्टेट्स में डिवाइड किया गया उस टाइम पर भी आ, कंट्री को डिवाइड किया गया था प्रोमिनेंज में लाइक द सेम एज स्टेट्स डू द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य देवर मेरी फोर प्रोमोनेसिस तो चंद्रगुप्ता के टाइम पर फोर प्रोमिनेसिस थे मगधा मगधे कैपिटल थी पाटलिपुत्रा गंधारा कैपिटल वास तक्षीला अवंती कैपिटल वास उज्जैन साउथरन जो प्रोवेंस था उसकी कैपिटल थी स्वर्णगिरी एंड आफ्टर कलिंगा वार जब देखो मैंने अभी कलिंगा वार की बात की तो कलिंगा वार के बाद जो अशोका था उसे एडिट किया कलिंगा को और कलिंगा की किया, कैप्टल क्या थी तौशाली एंड मगला जो था जो कैप्टेसिटी थी इट वॉज हेडेड बाय द अंडर द किंग वो टोटली किंग के अंडर था किंग के की कंट्रोल में था और जो ये सारे के सारे बाकी के प्रसिज थे है, इनका हेड कौन था कुमारा और द आर्यपुत्रा जो कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे रॉयल फैमिली मेंबर्स थे जो किंग की फैमिली के मेंबर्स थे कुमारा और आर्यपुत्रा देवर द हेड ऑफ दिस फ्रॉम द मै आई एम गोइंग टू शो यू दीज पोवीज फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहां पर आपको मगधा मगधा की कैपिटल पाटलिपुत्र ठीक है उसके बाद है आपका गंधारा गंधारा कैपिटल इज तक्षशिला जन अवंती की कैपिटल थी उज्जैन देन जो साउद उसकी कैपिटल आपकी स्वर्णगिरी एंड कलिंगा कैपिटल इज द तुशाली इन दिस वे मीन ऑल द फोर डायरेक्शन की पूरी ऑल द फोर डायरेक्शन में यहां पर एक कैपेसिटी को सेटअप किया गया है ओके फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट इज देखो यहाँ पर मैंने डिवाइड किया प्रवेंसीज थे जो स्टेट्स थे दे वर द कुमार डिवाइडेड इन टू द डिस्ट्रिक्ट जैसे कि आजकल हमारे डिस्ट्रिक्स को स्टेट्स में डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट में तो डिस्ट्रिक्स के हेड थे प्रदेशी

नेक्स्ट इज ऑफिसर्स देस मीन सब ऑफिसर्स थे जो इनके अंडर काम करते थे एंड दे द अकाउंट्स जो अकाउंट्स का जो बुक्स थे अकाउंट्स के बुक्स थे देवर अंडर स्टूडेंट्स ये जो ऑफिसर्स है इनके नेम्स आपको एज इट इज लर्न करने ही पड़ेंगे ओके सो यू मस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ दीज नेम्स ओके नेक्स्ट इज अज एडमिनिस्ट्रेशन दफ दिलेज वॉज कॉल द ग्रामिका तो विज का हेड था ग्रामिका एंड ही बुजुर्ग थे एल्डर पीपल थे वो हेल्प करते थे ग्रामिका को इन द रूटीन मैटर ऑफ द विज मोस्ट ऑफ द डिस्प्यूट अब देखो अगर विलेज में तो ऑल द डिस्प्यूट वेटल बाय हिम तो मोस्टली जो डिस्प्यूट है वो जो एल्डर्स मिलकर ग्रामिका मिलकर सोट आउट कर देते थे विद द हेल्प ऑफ द विज असेंबली ओके सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट होप यू अंडरस्टैंड इट বাকী ক'ৰবাত পাৰা ৰেষ্ট অফ দ এডমিনিষ্ট্ৰেছ পাৰ মিলিটি এডমিষ্ট্ৰেছ ৰডমিনিষ্ট্ৰেছ আই বিল টাইল ইন দ নেক্সট বিডিঅ' হেভ এ নেছ ডে গুড বাইল